समय और ब्रह्मांड आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे प्रकाश और परछाई। जिस प्रकार प्रकाश के पैदा होने से परछाई का जन्म होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने से समय का आभास होता है। प्राचीन काल से ही लोग समय को जानने की कोशिश करते आए हैं और समय के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते आए हैं। अरस्तु का मानना था कि समय गति का एक प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। न्यूटन के हिसाब से भी समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा चल रहा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय की परिभाषा को ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार तो समय महज एक इल्यूजन यानी एक भ्रम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड में समय की चाल हर जगह एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं समय की चाल धीमी है तो कहीं पर तेज। ब्रह्मांड के भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल के पास समय धीमी रफ्तार से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे समय की चाल तेज होती जाएगी। लेकिन वास्तव में समय है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो समय एक वास्तविक घटना है जो कि ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही समय है जो कि बीते हुए कल को वर्तमान के द्वारा भविष्य से जोड़ता है। अभी से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक डेंस हॉट सिंगुलरिटी पॉइंट में एक धमाका हुआ। उस धमाके को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग से जन्म हुआ ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही जन्म हुआ समय का। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक समय का अस्तित्व है। जिस दिन ब्रह्मांड का अंत होगा उस दिन समय का भी अंत हो जाएगा। लेकिन हम जानेंगे कि समय का अंत कैसे होगा। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इसी में है स्पेस, समय और मैटर। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन क्या होगा जिस दिन ब्रह्मांड का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा? पहले तो हमारी सोच ये थी कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में खगोलविदों ने ब्रह्मांड की एक अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया है। ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही जूझ रहा है। भले ही हमें पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक युद्ध सा चल रहा है। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय की शुरुआत से ही युद्ध कर रहा है। ब्रह्मांड में दो खतरनाक शक्तियां अपना अपना नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है ग्रेविटी, जो ब्रह्मांड की हरेक चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में है, जो ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदलकर खत्म करना चाहती है। और दूसरी शक्ति है फैलाव, जो गैलेक्सीज को दूर दूर तक खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर खत्म करने की कोशिश में है। इन दो शक्तियों में जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या फैलाव की, या फिर ये मुकाबला बराबर पर ही रहेगा? ब्रह्मांड की इन दो महाशक्तियों की रस्साकसी में जो भी शक्ति भारी पड़ेगी वही शक्ति ब्रह्मांड का अंत कर देगी। इन दो महाशक्तियों के मुकाबले में तीन नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा होगा बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड का फैलाव ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड ठंडा होकर जम जाएगा। दूसरे नतीजे में अगर ब्रह्मांड के फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी रही और ये दोनों शक्तियां हमेशा अपने अस्तित्व के लिए जूझती रहीं, तो ब्रह्मांड में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा जिससे ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाएगा और ये अनंत काल के लिए वैसा ही बना रहेगा। तीसरा नतीजा होगा कि ग्रेविटी की जीत होगी और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पॉइंट पर खींचना शुरू कर देगी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक पॉइंट में सिमट जाएगा और ब्रह्मांड उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ था। उस स्थिति को बोला जाएगा बिग क्रंच। हो सकता है कि बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड बने। इन दो महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वही शक्ति समय का अंत करेगी और इसका कारण ये होगा कि समय हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समय हमेशा भविष्य की ओर बहता रहेगा। समय के इस बहाव को एरो ऑफ टाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि समय हमेशा भविष्य की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों बढ़ता रहता है, समय कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? तो इसका जवाब है
थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी। ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में समाहित था, फिर बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड फैलने लगा और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, यही है एंट्रोपी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक कागज लिया और उसको कई टुकड़ों में फाड़ दिया। अब मैं आपसे कहूं कि आप उस कागज को पहले जैसा कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? शायद आप टेप या गोंद लगाकर उसको चिपका दो, लेकिन ऐसा करने से क्या वो कागज पहले जैसा हो जाएगा? नहीं। यही है एंट्रोपी, मतलब ब्रह्मांड में डिसऑर्डर हर क्षण बढ़ता जा रहा है और ये डिसऑर्डर केवल बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। बढ़ते हुए डिसऑर्डर के चलते ही हम बीते हुए कल और आज में फर्क महसूस कर पाते हैं। डिसऑर्डर की वजह से ही हमें चीजों में बदलाव नजर आता है और यही बदलाव हमें समय की अनुभूति कराता है। सोचो अगर ब्रह्मांड में समय रुक गया तो बदलाव की सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी, एंट्रोपी भी। या यूं कहें कि अगर ब्रह्मांड में डिसऑर्डर रुका तो समय भी ठहर जाएगा। कहने का मतलब, एंट्रोपी की वजह से हम पास्ट और प्रेजेंट में अंतर महसूस करते हैं। अगर एंट्रोपी नहीं होगी तो ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम आज के समय में और करोड़ों साल बाद के समय में कोई भी अंतर महसूस नहीं करेंगे, ना ही हम कभी बूढ़े होंगे और ना ही हम कभी मरेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या कर रहे हो, लेकिन समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और समय का अंत ब्रह्मांड की दो महाशक्तियों में से किसी एक के कारण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड के फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी है। अभी तक तो हमारा ब्रह्मांड विस्तार और सिमटने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए लग रहा है, लेकिन क्या ये अपने संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या कोई चीज इस संतुलन को गड़बड़ा सकती है? ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत बिग बैंग से ही शुरू हो चुकी थी। फैलाव ने एक ऐसा विशाल और चलता फिरता मंच बनाया जिस पर आज का ब्रह्मांड गतिमान है, लेकिन अगर ये जन्म से ही नियंत्रित ना रहता तो ब्रह्मांड कब का खत्म हो चुका होता। अभी तक तो फैलाव की ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ रही है, जिस वजह से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी और फैलाव बिग बैंग से ही संतुलित रहे हैं। अगर ब्रह्मांड का विस्तार कहीं ज्यादा तेजी से होता तो ये इतनी तेजी से खाली होता कि गैलेक्सीज, स्टार्स और ग्रहों को बनने के लिए समय ही नहीं बचता। हम इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं, इसका कारण है कि एक महाशक्ति ग्रेविटी ने ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार पर रोक लगाई हुई है। ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ रहते हैं। कोई चीज जितनी बड़ी होगी ये अपने आसपास की चीजों पर उतना ही दबाव डालेगी। ग्रेविटी ने ही सितारों को बनाया, ग्रहों को बनाया, गैलेक्सीज को बनाया। लेकिन ग्रेविटी एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर ब्रह्मांड का फैलाव धीमी रफ्तार से होता तो ग्रेविटी फैलाव पर हावी हो जाती और ये संपूर्ण मैटर को एक पॉइंट में क्रश कर देती और ब्रह्मांड में स्टार्स, ग्रह, गैलेक्सीज इत्यादि बनने से पहले ही सारा मैटर एक पॉइंट में समा जाता और ब्रह्मांड कब का खत्म हो जाता। आज हम एक संतुलित ब्रह्मांड में रह रहे हैं। इसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी है। ब्रह्मांड इस गति से फैल रहा है कि हमें विकसित होने का समय मिल रहा है। ग्रेविटी और फैलाव की रस्साकसी की वजह से ब्रह्मांड 13,80,000,000,000 सालों तक कायम रहा है। लेकिन ये संतुलन आखिर कितना स्थिर है? क्या हमारे ब्रह्मांड में बेरोक टोक विस्तार या खुद ही तबाह होने से बचाने लायक संतुलित सामग्री मौजूद है? ब्रह्मांड में जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा ब्रह्मांड के फैलाव पर अंकुश लगा रहेगा। अगर ब्रह्मांड में मैटर कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी, जिस वजह से ग्रेविटी का फैलाव से नियंत्रण खत्म हो जाएगा और फैलाव सभी गैलेक्सीज को दूर दूर तक धकेल देगा और ब्रह्मांड जमकर खत्म हो जाएगा। 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने जब गणना की तो नतीजे बहुत ही खराब थे। उन नतीजों के हिसाब से ब्रह्मांड में इतना मैटर ही नहीं था कि उससे इतनी ग्रेविटी पैदा हो पाती कि फैलाव की ताकत पर अंकुश लगा रहे। लेकिन 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए।
टेलीस्कोपों को नजर ना आने वाला बहुत बड़े आकार का अज्ञात मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था, और इसका आकार अंश मात्र नहीं बल्कि पहले हम जिस मैटर को जानते थे उससे भी 5 गुना ज्यादा था, जो बहुत ज्यादा ग्रेविटी पैदा कर रहा है। इस अज्ञात मैटर की खोज से पहले हमें लगता था कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं केवल वही मैटर होता है और उसी से ग्रेविटी पैदा होती है, लेकिन इस अज्ञात मैटर की खोज ने वैज्ञानिकों की ब्रह्मांड को देखने की रूपरेखा ही बदल दी। जब ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि गैलेक्सीज बहुत तेजी से रोटेट हो रही हैं। जिस तरह से सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रहों को एक गोल घेरे में नाजुक नृत्य कराती रहती है, सूर्य के मास से पैदा हुई ग्रेविटी ही दूर दूर तक मौजूद ग्रहों की पर्दियों की रफ्तार को नियंत्रित करती है। अगर सूर्य ज्यादा बड़ा होता तो ग्रहों की परिक्रमा करने की गति भी ज्यादा तेज होती, और अगर सूर्य छोटा होता तो ग्रहों को इसकी परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगता। गैलेक्सीज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद विशाल मास बाहरी सितारों को गोल ग्रह जैसे ऑर्बिट में खींचता है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के तारों की इन कक्षाओं की सटीक पैमाइश की तो नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। गैलेक्सीज के केंद्र में जो विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे उनमें भी इतना पर्याप्त मास नहीं था जो गैलेक्सीज को इतनी तेजी से रोटेट करा पाता। यहां तक कि इतने कम मास की वजह से गैलेक्सीज को टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स गैलेक्सियों से भरा पड़ा है। ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत शायद गैलेक्सीज को एक साथ थामे हुए है, लेकिन वैज्ञानिकों को टेलीस्कोपों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कोई चमक ना कोई छाया। ये नई चीज ना तो कोई प्रकाश छोड़ती है और ना ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और ना ही उसे रोकती है। लेकिन ये अज्ञात किस्म का मैटर गैलेक्सीज के सभी तारों को एक ही गैलेक्सी में बांधे रखता है और गैलेक्सियों को टूटकर बिखरने नहीं देता। वैज्ञानिकों ने इस अज्ञात किस्म के मैटर को नाम दिया डार्क मैटर। ब्रह्मांड इस डार्क मैटर से भरा पड़ा है। सामान्य मैटर से इसकी मात्रा 5 गुनी है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में बेहिसाब ग्रेविटी पैदा कर रहा है। वैज्ञानिक डार्क मैटर के आधार पर ब्रह्मांड के अंत को प्रेडिक्ट करने लगे। वैज्ञानिक मानने लगे कि किसी दिन सामान्य मैटर और डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी ब्रह्मांड के विस्तार को रोक देगी और ग्रेविटी फैलाव पर भारी पड़ेगी। फैलता हुआ ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा। सभी गैलेक्सियां एक दूसरे के पास आती जाएंगी और आपस में टकराकर मर्ज हो जाएंगी। बेहिसाब ग्रेविटी मैटर को तब तक क्रश करते जाएगी जब तक ब्रह्मांड का संपूर्ण मैटर एक सघन बिंदु में ना समा जाए। एक दिन ब्रह्मांड उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, बिग बैंग पर। जब ब्रह्मांड सिकुड़कर एक डॉट में समा जाएगा, ब्रह्मांड के अंत की उस घटना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग क्रंच। कुछ लोग मानते हैं कि जब बिग क्रंच होगा तब उस पॉइंट में एक बार फिर से बिग बैंग होगा और एक नए ब्रह्मांड का एक नई टाइमलाइन पर जन्म होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हमारा ब्रह्मांड जिस बिग बैंग से जन्मा है तो क्या उससे पहले कोई बिग क्रंच था? अगर ऐसा है तो बिग बैंग और बिग क्रंच आखिर कितनी बार हुआ होगा? क्या ये ब्रह्मांड के जन्म और मरण की एक इन्फिनाइट साइकिल है? लेकिन जब वैज्ञानिक डार्क मैटर के बिग क्रंच को समझने के करीब थे तो ब्रह्मांड ने उनके सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी। कोई अनजान ताकत ब्रह्मांड को एक अलग अंत की ओर तेजी से धकेलती हुई लग रही थी। ग्रेविटी और फैलाव पिछले 14 अरब सालों से ब्रह्मांड पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। फैलाव इसको बाहर की ओर धकेलता है और ग्रेविटी इसको अंदर की ओर खींचती है। ग्रेविटी के पास डार्क मैटर था तो लग रहा था कि जीत इसी की होगी और ब्रह्मांड बिग क्रंच की ओर चला जाएगा। लेकिन फिर एक हैरतंगेज खोज ने हमारा ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सन 1990 के आसपास वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को नापने का फैसला किया ताकि वो ये जान पाएं कि ब्रह्मांड के फैलाव की गति कहीं इतनी धीमी तो नहीं हो रही कि एक दिन इसे बिग क्रंच का सामना करना पड़े, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा के लिए फैलता ही जाए। वैज्ञानिकों की शोध ने दुनिया को हैरत में डाल दिया।
ब्रह्मांड के फैलाव की गति धीमी नहीं बल्कि तेज हो रही है और फैलाव की ये गति हर पल बढ़ती जा रही है। एक अदृश्य और रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के फैलाव को तेज करती जा रही है। ब्रह्मांड का ये फैलाव फिजिक्स के नियमों के उलट हो रहा है। फैलाव को एनर्जी बिना किसी चीज के मिल रही थी, स्पेस के वैक्यूम से। वैक्यूम का मतलब होता है एकदम खाली जगह, जिसमें कोई भी पार्टिकल ना हो, जिसका ना तो कोई तापमान हो और ना ही एनर्जी हो। लेकिन ये बात सच नहीं। खाली जगह में एक एनर्जी होती है जो कि ग्रेविटेशनल रिपल्सन पैदा करती है। ये एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। इस शक्ति को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी नाम दिया। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद डार्क एनर्जी को नापने के लिए अपने बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोपों को कैलिब्रेट किया और नतीजे दिमाग को चकराने वाले थे। ब्रह्मांड के मास के मुकाबले डार्क एनर्जी की तादाद 3 गुना थी। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि स्पेस जितना ज़्यादा फैलता है तो वहाँ उतनी ही ज़्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी महसूस होती है। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जब ये गैलेक्सीज को धकेलती है तो स्पेस में वैक्यूम बढ़ता जाता है, जिस वजह से रिपल्सन भी बढ़ता जाता है और डार्क एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्मांड की गति धीमी होने की बजाय जो बढ़ रही है, इसका कारण है बढ़ती हुई मात्रा में डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी बिग क्रंच थ्योरी को ख़त्म करती नज़र आती है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि डार्क एनर्जी, विस्तार और स्पेस आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर स्पेस की मात्रा का आकार दोगुना हो जाए तो क्या डार्क एनर्जी भी दोगुनी बढ़ जाएगी या ये उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी? अगर स्पेस के बढ़ने से डार्क एनर्जी कई गुना बढ़ती जाएगी तो ब्रह्मांड का अंत बहुत ही डरावना होगा। जब डार्क एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये ग्रेविटी पर इस कदर हावी होगी कि ये गैलेक्सीज को भी तहस नहस कर देगी। जब डार्क एनर्जी अपने चरम पर होगी तो सबसे पहले गैलेक्सी फटना शुरू होंगी, फिर गैलेक्सीज के अंदरूनी हिस्से फटने लगेंगे और उसके बाद सौर मंडलों का भी यही हाल होगा। डार्क एनर्जी स्टार्स, ग्रहों और चट्टानों को फाड़ देगी। डार्क एनर्जी का कहर यही नहीं रुकेगा, वो सूक्ष्म स्तर पर मौजूद एटम्स को भी फाड़ देगी। ब्रह्मांड का ये अंत बहुत ही बेरहमी से और तेजी से होगा। डार्क एनर्जी मैटर के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। मैटर का अपना अस्तित्व खो जाने के बाद ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, साथ ही अंत हो जाएगा समय का। ब्रह्मांड के इस अंत को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग रिप। अगर ब्रह्मांड में स्पेस के बढ़ने से डार्क एनर्जी कई गुना ना बढ़कर एक एक के अनुपात में बढ़े, मतलब एक गुना स्पेस बढ़े तो एक गुना ही डार्क एनर्जी बढ़े, इस स्थिति में ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता जाएगा और ठंडा होता जाएगा। गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स का ईंधन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और गैलेक्सीज में अंधेरा छाता जाएगा। सभी गैलेक्सीज में सिर्फ मरे हुए तारों के अवशेष बचेंगे, जैसे ब्लैक होल, गैस और धूल के ठंडे बादल। सितारों का दौर खत्म हो जाएगा और ब्लैक होल्स का दौर शुरू हो जाएगा। ब्लैक होलों से भरी गैलेक्सीज विकसित होती रहेंगी। गैलेक्सीज में मौजूद ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिलते रहेंगे और पहले से ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। पहले वैज्ञानिक सोचा करते थे कि ब्लैक होल्स अमर होते हैं, लेकिन एक दिन इनकी भी मौत होगी। ब्लैक होल्स हॉकिंग्स रेडिएशन के द्वारा इवेपोरेट होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। जिस दिन ब्रह्मांड का आखिरी ब्लैक होल अपनी दम तोड़ेगा, उस दिन अंत होगा इस ब्रह्मांड का और समय का। ब्रह्मांड के इस तरह के अंत को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड को ठंडी और धीमी मौत का सामना करना पड़ेगा जो खरबों खरब साल तक कायम रहेगी। अब ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच से होगा या बिग रिप से या फिर बिग फ्रीज से? इस सवाल का जवाब डार्क एनर्जी के रहस्य में छिपा है। लेकिन हमारा ये ब्रह्मांड खुद से जुड़े राज आसानी से उजागर नहीं करता और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की ही तरह अभी शायद कई आश्चर्यजनक तथ्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये आश्चर्य उन रहस्यों और चमत्कारों की तादाद और बढ़ाएंगे जो हमारे ब्रह्मांड ने हमारे लिए छुपा रखे हैं। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस बारे में हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम फिलहाल खोज के एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ अभी बहुत सी खोजों का होना बाकी है। पृथ्वी पर भले ही हमें सब कुछ शांत लगे, लेकिन
डार्क एनर्जी और ग्रेविटी की रस्साकसी में एक भीषण युद्ध चल रहा है और इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध समय की शुरुआत से ही शुरू हो चुका था और समय के अंत तक चलता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड और समय का अंत किस महाशक्ति के जीतने से होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।